जिला पंचायत के सीआईओ ने सहायक सचिव और सचिव संगठन के पदाधिकारियों को स्लिप देने के बावजूद भी उनसे मुलाकात नहीं की। उनकी समस्या को नहीं सुनने पर पदाधिकारियों ने जिला स्तरीय कलम बंद हड़ताल करने का आह्वान दिया है। आपको बता दें कि सहायक सचिव और सचिव संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष सहित पदाधिकारी जिला पंचायत सीईओ आशीष सांगवान से मिलने जिला पंचायत पहुंचे थे, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी सांगवान ने इन पदाधिकारियों से मुलाकात नहीं की। इसी के बाद अपनी मांगों व समस्या के निराकरण के लिए पदाधिकारियों ने 24 जुलाई से जिला स्तरीय कलमबंद हड़ताल करने का आह्वान किया है। जो लगातार आज इस कदम को इसलिए उठाना पड़ रहा है हमें कि मान लो लगातार 2-3 बार से हमारे संगठन के पदाधिकारी बार बार जिला पंचायत में आए हैं, 2-3 बार लगातार आए, स्लिप दी गई माननीय जिला सीईओ साहब को, मिलने के लिए समय मांगा गया लेकिन समय नहीं दिया गया। आज भी कल हमारे जिला अध्यक्ष सचिव संघ के अध्यक्ष जी से बात हुई थी, उनके द्वारा बोला गया था कल 4 बजे आपसे मुलाकात करूँगा, लेकिन इसके बाद भी उन्हें हम यहाँ फिक्स 4 बजे जिला पंचायत कार्यालय में पहुँचे हैं सभी पदाधिकारी, इसमें हमारे सचिव संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हमारे लाखन सिंह जी भाई साहब हमारे साथ हैं और सभी ब्लॉक के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, सचिव एवं सहायक सचिव संगठन के और सारे जिले के पदाधिकारी हैं। तो हमारा मतलब ये है कि जो हमारे सहायक सचिव एवं सचिव की जो समस्या है जिला स्तरीय, उसके निराकरण के लिए माननीय जिला सीईओ साहब से हम मिलना चाह रहे थे, लेकिन जब परिवार का मुखिया अगर हमारी समस्या को नहीं सुनता है तो हम किसके पास समस्या रखें अपनी, और जब परिवार का मुखिया हमारी समस्या नहीं रखेंगे तो हम आप मीडिया के माध्यम से हम ये आह्वान करते हैं कि जब तक सचिव एवं सहायक सचिव संगठन की हमारी बात मांग नहीं मानी जाती है, रोजगार सहायकों का बिना पोर्टल की टेक्निकल मिस्टेक के कारण जब अवैध वसूली की गई और सचिवों को बहाल किए गए बिना नो वर्क नो पेमेंट पे, उनको अन्य विभाग के कार्य जैसे NFS पोर्टल का जो काम है, जबकि हमारा समग्र जो पोर्टल है उस पर समस्त जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में 90% से ऊपर आधार शीट है समग्र पोर्टल पे, और जब खाद्य विभाग के पोर्टल पे आधार अपडेट करने की बात हुई तो उसमें भी हमारे रोजगार सहायक हम सचिवों को नोटिस दिया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है कि आपको ये काम करना है, जबकि हमारा ये काम नहीं है, तो अन्य विभाग का काम है। हम पे हर प्रकार से दबाव बनाकर और कार्रवाई की धमकी दी जाती है और काम करने के लिए बोला जाता है, इसलिए हमारे संगठन के समस्त लोगों ने एवं पदाधिकारियों में एवं लाखन सिंह जी प्रदेश उपाध्यक्ष सचिव संगठन के नेतृत्व में हमारे संगठन सचिव एवं सहायक सचिव संगठन ने यह निर्णय लिया कि जब तक हमारी मांगों का निराकरण नहीं होता और हमारे संगठन के पदाधिकारियों को हम उनका सम्मान मिलना चाहिए, और जब तक वो चीज़ सारी चीज़ वापस नहीं होती है तो तब तक हम कलम कार्यालय हम कलम बंद हड़ताल पे, सचिव एवं रोजगार सहायक जिला राजगढ़ हड़ताल पे जा रहे हैं, कल से हड़ताल पे जा रहे हैं जी। रोजगार सहायक सचिव बोलते हैं, पंचायत में काफ़ी महत्वता है और इनके बिना कार्य की कहीं ना कहीं कुछ भी सारे कार्य ठप हो जाएंगे, बहुत काम प्रभावित होंगे जिले में, इसकी महत्वता तो इतना गंभीर मामला है ये। देखिए बिल्कुल सही बात है, ग्राम पंचायत का सचिव एवं सहायक सचिव एक शासन की अधिकांश, मतलब ये मान लो आप लगभग बहुत सारी ऐसी योजना है 50% से ज़्यादा जो सचिव एवं सहायक सचिव संचालित के माध्यम से संचालित शासन करवाती है, और हम सारी योजना को काम शासन का सारा जो जवाब हमें कार्य सौंपता है वो हम काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। इसके बाद भी यदि कोई परिवार के मुखिया से हमारे सचिव एवं सहायक सचिव की कोई समस्या है तो हम उनसे मिलने जाते हैं तो हमें दरकिनार किया जाता है, मिलने के लिए समय नहीं दिया जाता है, और मिलने जाते हैं तो घंटे दो दो घंटे हमें बिठाया जाता है। आज भी आप गए थे मिलने? आज भी हम गए थे मिलने, हमने स्लिप दी, मिलने गए लेकिन नहीं मिले, और इसलिए हमारे संगठन के सारे पदाधिकारी ने निर्णय लिया कि आज से हम कलमबंद हड़ताल पे, कल से हम कलमबंद हड़ताल पे जा रहे हैं। मामला है कि 3 दिन से लगातार सीओ साहब से मिलने का हमने समय मांगा था, कल भी हमने समय मांगा था, उन्होंने आज 4 बजे का समय दिया था, लेकिन हम 6 बजे तक बैठे रहे, वो हमसे नहीं मिले। काफ़ी समस्या पंचायत सचिव संगठन की और रोजगार सहायक संगठन की थी, उसमें 3-3-4 माह से तो वेतन नहीं मिला है, इतने जूझ रहे हैं, उसके बाद
हमारे रोजगार सहायक भाई साथियों के भी 177 लोगों को नोटिस जारी किया गया, जबकि वो पोर्टल की गलती थी, ना कि सचिव की या सहायक सचिव की गलती थी। और हम लगातार मिलने का प्रयास कर रहे थे कि हमारी समस्या को हम अवगत कराएं सीओ साहब को, लेकिन उन्होंने हमें मिलने का समय नहीं दिया। इसलिए हम कल से जिला स्तर पर कलमबंद हड़ताल रखेंगे। आखिर आप कलमबंद हड़ताल करेंगे तो पंचायतों में जो कार्य चल रहे हैं काफ़ी प्रभावित होंगे, ऐसा क्या कारण रहा कि आपको कलमबंद हड़ताल करना पड़ रहा है? क्या ऐसा काफ़ी समस्या है जो कि हम सचिव और सहायक सचिव संघ लोगों के वो समस्या का हम समाधान चाहते थे, इसलिए हम सीओ साहब से मिलने जाते थे, हमारा समाधान हो जा तो हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हमारा समाधान नहीं होगा, तीन तीन से चार माह से वेतन नहीं मिलेगा, तो हम कलमबंद हड़ताल करेंगे। कल से हड़ताल करने जा रहे हो? कल से हड़ताल करने जा रहे हो? तो यह हड़ताल कब तक जारी रहेगी आप? जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी। तीन दिन से पंचायत सचिव संगठन और रोजगार सहायक सचिव संगठन के द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर माननीय श्रीमान जिला सीओ साहब से मुलाकात करने के लिए तीन दिन से स्लिप भेज रहे हैं, लेकिन सीओ साहब के द्वारा हमारे कोई समस्या को नहीं सुना गया और ना ही हमसे कोई मुलाकात की गई। इसी के लिए सारे सचिव और रोजगार सहायक परेशान होकर के हमारे द्वारा ये कदम उठाया जा रहा है कि जब तक हमारे समस्याओं का निराकरण नहीं होगा, इसलिए हम सारे सचिव और रोजगार सहायक अगले कदम उठाते हैं कि हम सारे कल से कलम कार्यालय बंद करके हड़ताल पर रहेंगे। कल से है? हाँ, कल से। तो आप संगठन में प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं? हाँ। और आप कहीं ना कहीं मिलने गए थे तो आपको मिलने का समय भी नहीं दिया गया? इतने बड़े कोई समय नहीं, कोई मुलाकात नहीं हुई, तो ऐसे में लेकर आप हड़ताल करने जा रहे हो? हड़ताल, तो ये ब्लॉक स्तरीय हड़ताल रहेगी या फिर पूरे जिले के लिए? ये जिला स्तरीय पूरे जिले की हड़ताल रहेगी। इसमें हमारा ये हड़ताल कब से कर रहे हैं आप? ये कल से ही हम हड़ताल पे रहेंगे और आगे अगर कदम उठाया जाएगा तो हमारा पूरा प्रदेश संगठन, पूरा संगठन प्रदेश पदाधिकारी भी हमारे संगठन पे और हड़ताल आंदोलन पे यहाँ पे बैठेंगे।